Good morning, my dear children. This is Rajeshwari. Welcomes you to the maths class. Now, in the chapter give and take, we are learning about addition and subtractions. Now, we will do some word problems related to addition and subtraction. My dear children, word problems का मतलब ये होता है कि जहाँ हमें कैलकुलेशन करना ज़रूरी है लेकिन वहाँ स्टेटमेंट के अनुसार हमें उसका कैलकुलेशन करना होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके बुक का ही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन फर्स्ट डे, ऑन सेकेंड डे इट मेड 123 बल्ब्स। How many bulbs did it made all together? तो बच्चों जरा सोचना है हम लोगों को कि फैक्ट्री पहले दिन 270 बल्ब्स बनाया लेकिन दूसरे दिन 123 बल्ब्स बनाया है। How many bulbs मेड ऑल टुगेदर, यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ पे आपको क्ल्यू मिल जाएगा ऑल टुगेदर, इन टोटल, ये सब का मतलब होता है कि हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करके इसका वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो बच्चों इसको हम स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखेंगे जरा शुरू करते हैं, चलिए इसको अभ्यास भी आपको करना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ बल्ब्स मेड ऑन फर्स्ट डे, ठीक है, इज इक्वल टू 270। नाउ नंबर ऑफ बल्ब्स मेड ऑन सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे कितने बल्ब्स बनाया था फैक्ट्री, 123, ठीक है, देयरफॉर टोटल बल्ब्स मेड इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे हमें जो भी कैलकुलेशन करना है उसका साइन देना ना भूलें, क्योंकि साइन के द्वारा ही जो परीक्षक होते हैं वो जानते हैं कि बच्चे ने ये कैलकुलेशन में ये चीज़ किया है, ठीक है। तो अभी देखिए बच्चों कि आप लोगों को जैसे पता है कि जब भी चाहे जितना बड़ा एडिशन हो लेकिन उसका पहले वंस डिजिट को हम करते हैं, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 3, 7 + 2 इज इक्वल टू 9, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 393 बल्ब्स, ठीक है। हमें पूछा गया पहले दिन इतना बनाया था, सेकेंड डे में इतना बनाया गया था, तो ऑल टुगेदर यानी कि टोटल कितना बनाया गया, तो इसका हम लोग स्टेटमेंट वाइज कंप्लीट करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर रफ़ी हैड 153 कैंडल्स, रफ़ी के पास 153 कैंडल्स थे, परास गेव हिम 237 मोर कैंडल्स। परास उसको 237 और ज़्यादा कैंडल्स दिया, तो अभी हाउ मेनी कैंडल्स डज रफ़ी हैव नाउ, अब उसके पास कितने कैंडल्स हैं। इसका स्टेटमेंट वाइज हम लोग लिखते हैं, रफ़ी हैड कैंडल्स इज इक्वल टू 153, ठीक है, परास गेव हिम इज इक्वल टू 237, देयरफॉर
total candles. Rafi has now is equal to, क्या करना है बच्चों, 153 कैंडल्स रफी के पास पहले से थे और 237 कैंडल्स अभी परास उनको दिया, तो अभी कितने कैंडल्स हो गए हैं देखो, 3 plus 7 is equal to 10. 10 means we have to carry 1 here and we have to put a 0 here. Okay. Now 10 means 110 na. So here it is. Tens place ko aa gaya 1. 110, 510, 310. 1 plus 510. 110, 510, 6 tens. 3 tens is equal to 9 tens. 100 plus 200 is equal to 300. So, कितने कैंडल्स हो गए बच्चों अभी रफी के पास, 390 कैंडल्स. बच्चों ये कैलकुलेशन हालांकि हमें लगते हैं कि ये थोड़ा बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है. अगर हम एक बार इसको समझ लेंगे तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा. खाली हमें कुछ टर्म्स पर ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना होगा, जो कि altogether, ठीक है. टोटल हाउ मेनी कैंडल्स डज रफी हैव नाउ, उसके पास कितने कैंडल्स है, ये सब कुछ चीज़ें हमें क्ल्यू दे देंगी कि हमें क्या करना होगा, ठीक है. आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. तब पर भी अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से आपको समझाऊँगी. धन्यवाद आप सबको.